कोरोना संक्रमण रोकने और वैक्सीनेशन केंद्र बढ़ाने के निर्देश मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला चिकित्सालय स्थित वैक्सीनेशन केंद्र एवं फीवर क्लिनिक के निरीक्षण के अवसर पर अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, चिकित्सक जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उस संक्रमण को रोकने के लिए सभी नागरिकों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए सावधानी बरतना है। सरकार पूरी तरीके से ताकत से लगी हुई है कि संक्रमण को रोक सकें और जो पॉजिटिव होकर लोग निकल रहे हैं आ रहे हैं उनका ठीक से ट्रीटमेंट कर सकें। आईसीयू में जिनको भर्ती करना है वो आईसीयू के बेडों को सबको तैयार कर रहे हैं, ऑक्सीजन तैयार कर रहे हैं, स्टाफ की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत ना आए। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जनप्रतिनिधि, सभी आम नागरिकों और सभी धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन करें और जो पात्रता की श्रेणी में जो लोग आज वैक्सीनेशन में आ रहे हैं, 45 से ऊपर वाले सभी लोग वैक्सीन लगाएं। सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी। मध्य प्रदेश में लगभग 7,000 हम लोगों ने केंद्र बना रखे हैं। सागर CMS TV के लिए नीरज वैद्यराज की रिपोर्ट।